हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं सबके? बढ़िया। फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा कराया था। इस वीडियो में हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, लास्ट डेरिवेशन में हमने एक वायर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, लेकिन अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन दो करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे के पास क्लोज वेसिनिटी में रखे गए हैं। तो सबने पढ़ा है कि अगर कोई भी एक वायर ये स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरी करता है तो उसकी वजह से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो वायर है, देखिएगा ध्यान से, ये केस फर्स्ट करा रहा हूँ मैं आपको। ये वाला एक वायर है जो कि इन्फाइनाइट लॉन्ग है, इसमें आई वन करंट फ्लो कर रहा है, और ये वाला वायर है ये भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें आई टू करंट फ्लो कर रहा है, और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन दैट इज़ अपवर्ड करंट फ्लो करा रहे हैं हम लोग। तो अब जब पहले कंडक्टर में, यानी कि इस वाले कंडक्टर में, मैं कंडक्टर वन की बात करूं, ये कंडक्टर वन है, ये कंडक्टर टू है, लेबल कर लेना, ये है भी लेबल यहाँ पे वन और टू, ठीक। तो कंडक्टर वन की बात करूं तो कंडक्टर वन में करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, इस कंडक्टर की वजह से इसके आसपास इस रीजन में, और यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को ला के रखोगे तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर इतना सबको? तो वही हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि इस वाले करंट की वजह से, आई वन की वजह से, इस वाले वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जो कि आप कैसे निकाल सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों को क्या करना है, अपनी फिंगर को इस तरीके से सेट करना है कि वो थंब पॉइंट करे आपके करंट कैरिंग डायरेक्शन में, और जिस भी डायरेक्शन में आप करंट निकालना चाहते हो, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, हम कहाँ निकाल रहे हैं, वायर के राइट हैंड साइड पर निकाल रहे हैं। तो अपनी कर्व्ड फिंगर्स को कर्व करके देखो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, वो कहाँ जाती हैं, यानी कि आपको थंब को रखना है इस वायर के ऊपर। अभी आप वीडियो पॉज करके सुनिए मेरी, पहले सुन लो फिर वीडियो पॉज करके करके देखना। थंब को इस वायर के ऊपर रखो, ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए, और फिंगर्स जो हैं वो इस तरीके से रखनी है कि वो राइट हैंड साइड में आए, और आपको क्या करना है, कर्व करके देखनी है फिंगर्स कर्व करके, जहाँ भी जाती हैं तो वो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अंदर की तरफ जाएंगी फिंगर्स और यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इधर तो अगर मैं बोलता तो इस तरफ डायरेक्शन लेफ्ट साइड में तो आउटवर्ड्स होती, लेकिन हम राइट में निकाल लें तो इनवर्ड्स आएगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि इस वाले करंट की वजह से जो बी वन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सेकेंड कंडक्टर प्लेस किया गया है, ठीक है। तो अब सबको पता है मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वही हम सब कुछ डेरिवेशन में करने वाले हैं। तो चलिए डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, अब स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया हम लोगों ने कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी जो है वो या बी वन से डिनोट कर दिया क्योंकि कंडक्टर वन के लिए निकाल लें, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन अपॉन आर हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने इसमें जो कंडक्टर रखा है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, लिखवा दिया मैंने, अभी बताया भी कैसे निकालनी है डायरेक्शन आपको। फोर्स कितनी लगती है जब एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो बिल साइन थीटा। अब बिल साइन थीटा में करंट क्या होगा, देखो बी वन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन करंट क्या होगा, करंट आई वन नहीं ले लेना, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर टू निकाल रहे हैं, तो फोर्स ऑन कंडक्टर टू ड्यू टू कंडक्टर वन। तो कंडक्टर टू पे फोर्स क्यों लग रही है, दो कारण की वजह से लग रही है, क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, इस वाले वायर से आया, यानी कि वो बी वन है। और दूसरा कारण क्या है, ये इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, इसके अंदर आई टू फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बी वन आई टू एल इस वायर की लेंथ हो जाएगी और साइन 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि एल वेक्टर और आई वेक्टर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो यहाँ से बी वन आई टू एल जो है वो एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, फोर्स का। इस फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो राइट हैंड पाम रूल लगा के, राइट हैंड पाम रूल ऊपर लगा के देखिए तो ये किस तरफ आएगी डायरेक्शन, कैसे लगाओगे राइट हैंड पाम रूल, मैं सेकंड कंडक्टर पे निकाल रहा हूँ। तो पहले तो सबसे पहले राइट हैंड पाम रूल में सिखाया था आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को सेट कर दो, तो फिंगर्स कर दो अंदर की तरफ को पॉइंट, और थंब कैसे रखना है, ऊपर की तरफ को रखना है, तो पाम देखिए आपकी कहाँ फेस कर रही होगी, पाम इस तरफ फेस कर रही होगी टुवर्ड्स दिस साइड, इस साइड की तरफ फेस करेगी पाम। करना क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड को करोगे अंदर की तरफ और जो थंब है उसे करोगे ऊपर की तरफ, तो जो पाम है आपकी वो किस तरफ फेस करेगी, इस तरफ फेस करेगी, यानी कि जो फोर्स लग रही होगी इस वाले, फोर्स जो लग रही होगी इस वाले वायर पे, इस वायर की वजह से वो किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, यानी कि ये वाला वायर इस वाले वायर को अपनी तरफ खींचेगा, समझ गए इस बात को, ये लिख भी दिया यहाँ पे, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द सेकंड कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर की तो परपेंडिकुलर है फोर्स भाई, सेकंड कंडक्टर कैसा है,
ये सेकंड कंडक्टर है और ये फोर्स की डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है इससे, तो फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है और डायरेक्टेड टूवर्ड दी फर्स्ट कंडक्टर लग रही है। कैसे, यहाँ से फॉर्मूला क्या बना लेंगे हम लोग, मी की बी की जगह पे बी वन की वैल्यू पुट, बी वन की जगह पे ऊपर से वैल्यू पुट कर देंगे और एल को यहाँ पे ले आए अपॉन में एफ टू वन अपॉन एल इसको सिर्फ यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर, यानी कि ये फॉर्मूला किसका बन गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का बन गया। क्वेश्चन में अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए बोलिए तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अगर आपको लेंथ गिवन है क्वेश्चन में कि 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर इस तरीके का कोई वायर था तो मल्टीप्लाई में एल यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ से एल को हम हटा देंगे। तो ये फॉर्मूले दो हैं आपको याद रखना। अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहे हैं हम, दूसरे वाले वायर के लिए निकाल रहे हैं, दूसरे वाले वायर की वजह से। अब देखो भाई इसमें करंट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इस वाले वायर की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर भी होगा और कुछ इस तरफ भी होगा। तो इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा था, कैसे निकालूंगा, वही राइट हैंड थंब रूल से थंब को रख दूंगा मैं इस वाले वायर के ऊपर जिसमें आई टू करंट फ्लो कर रहा है, और निकालना किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने के बाद फिंगर्स उन्हें कर्व करके देखूंगा, कर्ल करके देखूंगा, वो बाहर की तरफ को आ रही हैं फिंगर्स, बाहर की तरफ को आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ड्यू टू करंट आई टू आउटवर्ड्स हो जाएगी, वो यहाँ पे लिखा गया है मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट आई टू डी टू जो है वो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई टू अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, राइट हैंड थंब रूल से आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब कंडक्टर वन पे फोर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, बेल साइन थीटा, थीटा तो 90 था जैसे पहले ही था, यहाँ पे बी की जगह पे इस बार बी टू कर देंगे और करंट क्या है उसके अंदर आई वन है तो बी टू आई वन एल आ जाएगा। अब बी टू का फार्मूला पुट कर देंगे यहाँ से और ऊपर से, और क्या बन जाएगा, वही सेम फार्मूला मेरे पास फिर से बन जाएगा एफ वन टू अपॉन एल इज़ म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन अपॉन टू आई वन आई टू अपॉन आर। हेंस वी कैन से दैट व्हेन टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन हैड पैरेलल टू ईच अदर देन दे आर अट्रैक्ट देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप इसका डायरेक्शन निकालोगे, डायरेक्शन कैसी आएगी इस फोर्स की, कैसे निकालेंगे डायरेक्शन हम लोग, हमें तो फिंगर्स तो रखनी है बाहर की तरफ और थंब रखना है ऊपर की तरफ, थंब को तो पॉइंट करेंगे ऊपर की तरफ, इस वाले वायर की बात हो रही है ना आई वन की, तो थंब तो ऊपर की तरफ पॉइंट करोगे और फिंगर कहाँ रखोगे, फिंगर्स रखोगे बाहर की तरफ को। जब आप ऐसे करोगे तो आपकी जो पाम है वो किस तरफ पॉइंट करेगी, इस तरफ पॉइंट करेगी, पहले वाले वायर पर इस तरफ फोर्स लग रही थी, इस वाले वायर पर इस तरफ फोर्स लग रही थी, तो ये फोर्स कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब ये वाला वायर तो इस वाले वायर पे ऐसी फोर्स लगा रहा है, मतलब अपने पास खींच रहा है, और ये वाला वायर इस वाले वायर पे ऐसी फोर्स लगा रहा है, मतलब इसे अपने पास खींच रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, व्हेन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड इन क्लोज विसिनिटी टू ईच अदर देन दे विल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स विच इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड एफ अपॉन एल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर बाई टू आई वन आई टू अपॉन आर। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो आप। अगर अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का आता है मैं बताता हूँ, डिराइव अ फार्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड हैंस डिफाइन वन एम्पेयर। इस तरीके से आता है, वन एम्पेयर डिफाइन करने के लिए आता है, तो आप वन एम्पेयर यहाँ वाली जो इस फॉर्मूले से डिफाइन बनवा रहा हूँ मैं इसे लिखिएगा, वन एम्पेयर को टेंथ वाला मत लिखाना, जीरो नंबर भी नहीं देगा टीचर, माइनस में भले दे दे। इफ़ आई वन इजकुल्स टू आई टू इजकुल्स टू वन एम्पेयर, अगर आई वन आई टू वन एम्पेयर है, ऊपर वाले फॉर्मूले में देखिएगा कौन से फॉर्मूले की बात हो रही है, इस वाले में अगर आई वन और आई टू को दोनों को वन एम्पेयर पुट कर दूँ, आर को वन मीटर पुट कर दूँ, एल को भी वन मीटर ले लूँ, तो यहाँ से मेरे पास में किसके बराबर आ जाएगा फोर्स, तो फोर्स मेरे पास में म्यू नॉट अपॉन फोर पाई के बराबर आ जाएगी, और म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्या होता है, टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन न्यूटन, सॉरी फोर टेन टू द पावर माइनस सेवन होता है, और ये तो टू था ही, टू आई वन आई टू था ना, तो फोर्स आ गई टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन न्यूटन। तो यहाँ से वन एम्पेयर को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, दस वन एम्पेयर इज दैट मच करंट विच वेन फ्लोइंग थ्रू ईच टू पैरेलल यूनिफॉर्म लीनियर कंडक्टर्स प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस एट अ डिस्टेंस वन मीटर फ्रॉम ईच अदर विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ। बोल रहा है कि उन तारों में करंट जो है आप एक एम्पेयर बोल सकते हो जो तार एक दूसरे के पैरेलल हों, उनके बीच में कोई एक डिस्टेंस हो, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एक मीटर होना चाहिए, और वो अट्रैक्ट करें या रिपेल करें। फोर्स रिपेल से भी हो सकती है, नीचे वाला डेरिवेशन करोगे तो उसमें पता चलेगा, फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। कितनी फोर्स है, टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर की फोर्स है, पर मीटर कर दिया, तो मैंने यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन वन मीटर नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब मैंने कहा कि मैंने दो तार एक दूसरे के पास में ला के रख दिए, वो उन पर टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर की फोर्स लग रही थी और वो तार दोनों एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखे थे,
तो बताओ उनमें करंट कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ जब ये कंडीशन है तो करंट उनके अंदर 1 एम्पेयर होगा। तो ये 1 एम्पेयर की डिफाइन आप रट्टा लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है होमवर्क में, इस वीडियो का होमवर्क क्या है कि जैसे अभी हमने क्या करा था, ये 2 वायर लिए थे, आपको सेम इसी तरीके का डायग्राम बनाना है और उसमें क्या करना है आपको, अपोजिट डायरेक्शन लेनी है करंट की। यानी कि एक कंडक्टर में तो आप ऐसे ले लीजिए अपवर्ड्स और दूसरे कंडक्टर में डाउनवर्ड्स ले लीजिए। दोनों के लिए इसी तरीके से सेम तरीके से प्रोसीड करना है, फार्मूला भी सेम बनेगा, बस थोड़ी सी अकल लगा के चेंज करनी है चीज़ें और मुझे डायरेक्शन बतानी है फोर्स की कमेंट करके। नीचे वीडियो में आप कमेंट करके बताओगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन आई अपोजिट करंट कैरिंग वायर्स में, अपोजिट डायरेक्शन में जब वो करंट कैरी कर रहे हैं तो कितनी आई, ठीक है। कैसे करना है वो एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, नीचे करवा रखा है मैंने, आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जो मेहनत करना नहीं जानते बिल्कुल भी, जो कुछ सीखना नहीं चाहते वो यहाँ से नोट कर लें, बाकी जिन्हें कुछ सीखना है वो खुद करके देखेंगे इसे, ठीक। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो आप या वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर। एक ये क्वेश्चन कराया गया है, फिर इस पर फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन वायर बी, वायर बी पे नेट फोर्स निकालनी है। वायर बी पे नेट फोर्स कैसे निकालोगे, देखो ये है वायर बी, इस पर निकालनी है नेट फोर्स, तो इसमें भी 2 एम्पीयर, इसमें करंट 2 एम्पीयर है, पहले मैं इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल लेता हूँ। तो ये वायर कैसे है देखो, ये और ये सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, तो फोर्स कैसी होगी इनके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। फार्मूला लगा दीजिए और आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ए बी के बीच में फोर्स आ गई ये वाली मेरे पास में 8×10⁻⁷ N, कुछ नहीं करा सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं। अब इसकी वजह से निकाल लेते हैं, बी और सी की भी तो होगी कुछ फोर्स, मतलब सी वाला जो है वो भी तो बी पे फोर्स लगाएगा, वो निकाल लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं ना, तो फोर्स कैसी हो जाएगी, रिपल्सिव, 1 मीटर डिस्टेंस है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 8×10⁻⁷ N। अब दोनों फोर्स को क्या कर देंगे, नेट फोर्स निकालना है ना, तो नेट फोर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कि भाई ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी फोर्स आ रही है, 10⁻⁷, 8+8 कर दोगे तो 16×10⁻⁷ N जो आपके पास में नेट फोर्स आ जाएगी वायर बी पे, ठीक है। चलिए आसान था क्वेश्चन, इस तरीके के और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन कराएंगे जब एक बार हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनको किसी को भी फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें दूसरा डेरिवेशन लेके आएंगे और जल्द से जल्द चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।